ये जो देख रहे हैं आप तस्वीरें, इतनी सारी भीड़ जो निकल रही है, ये भीड़ है अफगानियों की। पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है और इन अफगानियों के लिए किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने बॉर्डर पर ही प्लान बनाकर रखा हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पाकिस्तान अमेरिका की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है तो वहीं अमेरिका ने कतर को भी इस बार दे दिया है एक संकेत, आगे क्या कतर के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो वहीं भारतीय नेवी अफसरों का क्या हुआ, वो कब तक निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या है अपडेट, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, जिस तरीके से आप ये भीड़ देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी भीड़, ये है अफगानियों की। जो अफगानी निकाले जा रहे हैं, ये अफगानी पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं और एक तारीख तक लास्ट डेट था, उसके बाद से ये निकलने शुरू हो गए हैं। एकदम ही अलग नजारा है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस तरीके से निकलना बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि बहुत सालों से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से था, और वो अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। कई ऐसे जगह है जहाँ अफगान रिफ्यूजियों के घरों पर बुलडोजर वगैरह चलाया जा रहा है, तो उन्हें निकालने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। ये कुछ इस तरीके से भर भर कर ट्रक ये वापस जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि ये काफी लंबे समय से यहाँ बसे हुए थे और बसने के बाद अब जब इन्हें निकाला जा रहा है तो इनके लिए भी एक समस्या रखी हुई है कि ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। 17 लाख है इनमें से, कहा जा रहा है 1.5 लाख तो निकाले जा चुके हैं। और मैं देख रही थी सोशल मीडिया में कई इस तरीके की पिक्चरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें निकालने के लिए पाकिस्तान की सरकार सख्त होकर उनके घरों को गिरा रही है और फोर्स कर रही है कि आप यहां से निकले, और लोग भी वहां से धीरे धीरे निकल रहे हैं। खैर, ये सीन इस वक्त पाकिस्तान का है। वैसे आपको बता दें, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने बिना कागजात के देश में रहने वाले अफगानों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने के लिए अभियान चलाया और दर्जनों लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद वापस भेज दिया गया है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि बुधवार को 64 अफगानों को गिरफ्तार भी किया, हिरासत में भी लिया गया है, उन्हें निर्वासित किया गया है। अब तो धीरे धीरे आंकड़े बढ़ा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 20 लाख के आसपास इस तरीके के लोग हैं। वहीं तालिबान की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। डिप्टी मिनिस्टर मोहम्मद अब्बास स्टानिक जई, इन्होंने कहा है कि पुलिस के कार्रवाई के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, पाक सरकार का ये फैसला गलत है, अमानवीय है, उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। अब्बास स्टानिक जई ने कहा कि वे पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक तरीके से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि यदि राजनयिक चैनलों का उपयोग करने से काम नहीं आया तो तालिबान अफगान शरणार्थियों के साथ पाकिस्तान के व्यवहार का जवाब देगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने अफगान शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले देशों से भी कहा कि आप जबरन उन्हें नहीं निकालिए, इस वक्त पूरी तरीके से हम तैयार नहीं हैं, और ऐसे में यहाँ रखना, यहाँ अचानक से आ जाने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब देखिए, पाकिस्तान ने यह कदम क्या कहकर उठाया है, तो पाकिस्तान का कहना है कि हमारे ऊपर TTP का लगातार हमला होता जा रहा है, और इनका ये भी कहना है कि कई ऐसे मामले हुए जिसमें अफगान लोगों का हाथ था, तो ऐसे में हम अफगानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमेरिका ने भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया और अमेरिका ने भी कहा कि आप ऐसा मत करो, इस तरीके का एक्शन नहीं लो, इतने सारे लोग अभी तुरंत से कहाँ चले जाएंगे। पर यहाँ पर फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान यहाँ पर यही कह रहा है कि नहीं जी, हम तो यहाँ से निकाल कर रहेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हाजरा समुदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें मत भेजो, अगर आप हमें भेजोगे तो हम मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मन में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक अलग खबर देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि तालिबान फिलहाल क्या कर रहा है, इतने सारे लोगों को कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाकर रखेगा, तो इतने सारे लोगों को फिलहाल के लिए तालिबान ने बॉर्डर पर ही शेल्टर वगैरह बना
बनाकर वहां पर ही रखने का फैसला किया हुआ है। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ये कहीं बड़ी समस्या न खड़ा कर दे। पर हाँ, इतने बड़े संख्या में शरणार्थियों को निकालना और इतने साल से रह रहे 30 से 40 साल से रह रहे लोगों को निकालना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत जोखिम भरा काम भी है। तालिबान ने तो खैर यहाँ हड़का ही दिया है, आने वाले समय में देखना होगा क्या ये सब कुछ सही तरीके से हो जाता है या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कतर को ना अमेरिका ने इस बार चेता दिया है और कतर को चेताते हुए हमास के साथ खास तौर पर रिश्ते रखने पर विचार करने को कहा है। आपको बता दें ये चीज जो है ना कतर के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है अमेरिका के साथ एक केस रहता है, अमेरिका क्या होता है तब तक शांत रहता है जब तक उसके ऊपर नहीं बीतती है, तब तक वो कुछ भी नहीं सोचता है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बीतनी शुरू होती है ना, वैसे ही उसे सारे नियम कानून सब याद आने लगते हैं। तो अब उसके एकदम करीब के सहयोगी इजराइल के ऊपर बीती है तो उसे भी इस चीज का एहसास हो रहा है। तो अब धीरे धीरे इसको लेकर कड़ा होता जा रहा है अमेरिका। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, द सन की ये आर्टिकल है। कहा जा रहा है कि जो हमास का बड़े लीडरों में से आता है उससे ईरान के एक टीवी में इंटरव्यू लिया गया। जब इससे इंटरव्यू लिया गया तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम नहीं रुकने वाले हैं, तब तक नहीं रुकने वाले हैं कि जब तक इजराइल पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। ये हमास के लीडर गाजी अहमद का कहना था ईरानियन टीवी को। स्क्रीन पर इस कटिंग को देख सकते हैं। इनका कहना है कि इजराइल वो देश है जिसका हमारी धरती पर कोई जरूरत ही नहीं है और ये सारी चीजें, हालांकि इन्होंने और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, पर उन बातों को यहाँ कहना उचित नहीं होगा। हमास के रवैया को देखते हुए अमेरिका ने हमास को लेकर कतर को समझाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें कतर से भारत को लेकर भी कुछ खबरें आ रही हैं। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में जो भारतीय नेवी के लोग फंसे हुए हैं, जिनको फांसी की सजा दी गई है, उनके लिए अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। कहा जा रहा है कि कतर से वो वापस आ जाएंगे। एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि हमारे पास कई सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शन हैं, इसलिए कतर हमारे लोगों को रख नहीं पाएगा और हमारी बात आखिर मानेगा ही। वैसे उन्होंने कई सारे पॉइंट सुझाए हैं जिसकी वजह से कतर को भारत की बात माननी चाहिए। पहली बात, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत और कतर के संबंध बहुत अच्छे हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं। भारत के साथ कतर संबंधों को खराब करता है तो इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा कतर के ऊपर। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।